सो वेलकम टू आप सभी। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वें विज्ञान की बातें, यानी विज्ञान पाठ पुस्तक में पाठ 3 के प्रश्न उत्तर। पाठ 3 का नाम है जल अनमोल संसाधन। आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। आपको इस पाठ में जल की उपयोगिता, उसका वितरण, जल का संरक्षण और उसे रोकने के उपाय के बारे में पढ़ने को मिला होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता, यानी जो जमीन जल का स्तर है वो कभी कम नहीं होता। तो ये बात गलत है कि जो भौम जल का स्तर है वो कभी कम नहीं होता, ठीक है, ये बात गलत है। पहला जो है वो कथन गलत है कि जो भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता। अगर ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, तो जो चापाकल है वो कभी भी उसमें जल की कमी नहीं होती। दूसरा है, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं। ये बात भी गलत है कि पानी की कमी केवल शहर में ही होती है, गाँव में नहीं होती। पानी की कमी शहर हो या गाँव हो, दोनों जगह होती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। यहाँ दे रखा है एकमात्र। क्या हम नदियों के जल के द्वारा ही खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, और कोई स्रोत नहीं है? तो ये बात गलत है कि एकमात्र स्रोत है। हाँ, यह एक मुख्य स्रोत हो सकता है लेकिन एकमात्र स्रोत नहीं। वर्षा का जल अन्य तालाब से भी हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, कुओं से भी सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। भूमिगत जल के द्वारा भी सिंचाई की जाती है, लेकिन यहाँ एकमात्र दे रखा है, इसीलिए यह कथन गलत है कि केवल हम नदियों के द्वारा ही अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, भौम जल हर जगह पीने लायक होता है। हर जगह पीने लायक होता है, यह बात गलत है कि हर जगह पीने लायक होता है। कई बार भौम जल निकल तो जाता है लेकिन वह पीने लायक नहीं होता, वह जल स्वच्छ नहीं होता, ठीक है। तो जो जल स्वच्छ नहीं होगा उसे हम लोग पी नहीं सकते हैं, अर्थात भौम जल हर जगह पीने लायक नहीं होता है। चलिए करते प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। झारखंड में जल का वितरण है, तो झारखंड में जल का वितरण असमान है। असमान का तात्पर्य है कि कहीं जल का जो वर्षा जल है वो अधिक है और कहीं तो है ही नहीं, ठीक है। कहीं तो जल की भरपूरता है, वहाँ पे जल की कोई कमी नहीं है, और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जल की, पीने के भी जल की कमी है। तो झारखंड में जल का वितरण असमान है। दूसरा है, जल की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो आप बर्फ के रूप में जो जल देखते हो वो ठोस है। द्रव जो आप पीने का काम में लाते हो वो क्या है? द्रव है, द्रव है। और जो वाष्प होता है, जल वाष्प, वे गैस होते हैं। तो जल की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तीसरा प्रश्न है, वर्षा जल संचयन को कहते हैं, तो वर्षा जल संचयन को रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है, इसमें भराएगा रेन हार्वेस्टिंग। चौथा प्रश्न है, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया कहते हैं, तो इसे अंतःसंयंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अंतःसंयंदन। नोट कर लो, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करो और साथ साथ में चीज़ों को नोट करता चलो। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक से जरूर करना। पांचवा है, वन की कटाई से भौम जल स्तर में आई है, तो वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी आई है। क्या हुई बच्चा? कमी आई है। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है, सही उत्तर के पर सही का निशान लगाइए। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है, पौधों के जल की आवश्यकता क्यों होती है? का श्वसन प्रक्रिया में, ख प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, गा उत्सर्जन प्रक्रिया में, या घा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। इसका सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। पौधों को जल की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के लिए होती है। दूसरा है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ दे रखा है नहीं है। लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, कई जगह बच्चे पढ़ लेते हैं कि उत्तरदायी है, फिर ऑप्शन पढ़ लेते हैं सीधा कि बढ़ती जनसंख्या। पहले ऑप्शन पढ़ें कि चलो यहाँ बढ़ती जनसंख्या है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। तो झड़बड़ी नहीं करना, आराम से आप क्वेश्चन पहले पढ़ लो। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई,
अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकीकरण। तो देखिए यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है, यानी कि जल की कमी नहीं हो रही है, तो अत्यधिक वर्षा से कभी भी जल की कमी नहीं होगी। बढ़ती जनसंख्या जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, वनों की कटाई भी जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, औद्योगिकीकरण भी है, लेकिन अत्यधिक वर्षा किसी भी तौर पर जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवीय अवस्था में नहीं पाया जाता? का हिमपात, खा झील का जल, गा नदी का जल, घा जलवाष्प। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, हिमपात और जलवाष्प, ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सत्य हो सकते हैं। जो हिमपात है, जो बर्फ का शिखर होता है, वहाँ पे जो जल है वो बर्फ के रूप में होता है, ठीक है, तो वो किस में होता है, ठोस अवस्था में, और जो जलवाष्प है वो तो गैस अवस्था में होता है। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, हिमपात और जलवाष्प, कि ये दोनों द्रवीय अवस्था में नहीं पाए जाते। जैसे आप लोग लगाना चाहो तो का या घा दोनों में लगा लो, कि जलवाष्प जो है वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और जो हिमपात है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि झील का जल, नदी का जल, ये सभी द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या चौथा, तो चौथा प्रश्न है, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव से वह मुरझा जाएंगे और अंततः सूख जाएंगे। जल के अभाव से पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जाएगी। मैं कुछ और बात भी पता चलता हूँ, आप लोग इसके साथ कुछ और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। जैसे विभिन्न पेड़ पौधे और वन्य जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। पेड़ पौधे यदि जल पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे तो जीव जंतुओं का भी अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सामंजस्य है, ये चीज़ आप लोग जोड़ सकते हो। पाँचवा प्रश्न है, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत क्या हैं? प्रमुख स्रोत वर्षा है। जो वर्षा है वो भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत है, ये चीज़ आपको लिखना है। करते हैं प्रश्न संख्या छठा, छठा प्रश्न है, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? इसमें लिखेंगे, हम अपने दैनिक कार्य जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर की सफाई करने, बर्तन को साफ करने और अन्य काम करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल प्रत्येक जीव की आवश्यकता होती है, चाहे वह जानवर हो, पशु हो, या पक्षी हो, या फिर पेड़ पौधे हो, सभी को जल चाहिए, इसीलिए जल आवश्यक है हमारे जीवन में। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जल है तो कल है। सातवां प्रश्न, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग निम्नलिखित कारणों के लिए आवश्यक है। पहला, इससे सिंचाई के लिए उपयोग में कर सकते हैं। दूसरा, कुछ इलाकों में गर्मी के दिनों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, अन्य घरेलू कार्य जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना इत्यादि कार्य हम जल से कर सकते हैं, यानी इस जल से, ठीक है। आठवां प्रश्न, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, जल संरक्षण की विभिन्न विधियां निम्न हैं। पहला, हमें वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि हम इसे बाद में उपयोग में ला सकें। दूसरा, हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि जल है तो कल है। तीसरा, हम बर्तन धोते समय नल के स्थान पर टब का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। हम रेन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए हम डोभा का निर्माण कर सकते हैं, हम अधिक गहराई वाले कुओं का निर्माण कर सकते हैं ताकि गर्मी के दिनों में जल्दी कुआँ ना सूखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या नौ, नौवां प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइप द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई विधि यानी कम व्यास के पाइपों द्वारा सीधे उसके पेड़ पौधों के जड़ों तक पहुँचाया जाता है, इसे जल का जो है दुरुपयोग नहीं होता, जल का इधर उधर बिखराव नहीं होता, सीधे वह पेड़ के
जड़ों तक जाता है और जितनी मात्रा में जल चाहिए पेड़ पौधों को उतनी मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। इसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई विधि। 10वां है भौम जल, और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। तो देखिए मैंने प्रयास किया है, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो उस कमी को ही बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से वो कमी ना हो। तो यहाँ पे बादल से जो जल की बूंदें गिर रही है, इससे भौम जल की पुनः पूर्ति हो रही है और बाद में फिर यह भौम जल हैंडपम्प के द्वारा वापस हम उपयोग में लाते हैं। जो भौम जल की आपूर्ति वर्षा जल से होती है, जल स्रोतों जैसे तालाब से, महासागरों से, नदियों से भी होती है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल होता है। 11वां प्रश्न, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है, आप जल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? लिखेंगे, हम वर्षा जल का संग्रह टोभा, तालाब इत्यादि बनाकर कर सकते हैं, इससे भूमिगत जल का स्तर बना रहेगा और हम उसे गर्मी के दिनों में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम अधिक गहराई वाले कुओं का निर्माण करेंगे, इसमें अत्यधिक जल का संग्रह हो। ठीक है, ये आपको लिख देना है। 13, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो लिखेंगे, भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा का जल कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाने से होती है। नोट कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है? झारखंड सरकार गांवों तथा शहरों में जल संचयन के लिए निम्न कार्य कर रही है। पहला, वर्षा जल संरक्षण के लिए डोभा का निर्माण कर रही है जिससे भूमिगत जल स्तर बना रहे। दूसरा, लोगों को जल के महत्व का जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है। तीसरा, जल शक्ति अभियान चलाकर, ठीक है, जो 15 नवंबर से चल रहा है वो जल शक्ति अभियान चलाकर। और हमारा क्या भागीदारी, हमारा क्या फर्ज है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि जल है तो कल है। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। तो लिखेंगे, पृथ्वी पर जल का असमान वितरण है। पृथ्वी लगभग 71% जल से ढका है, या फिर ढकी है, फिर ढकी होगा, ढकी है, जिसमें से 97.3% भाग महासागरों में पाया जाता है जो कि लवणीय है, सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। 2% जल हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो पेयजल की समस्या के लिए मानसूनी पवने भी जिम्मेदार होती है, वो महासागरों से वो आर्द्रता लेकर चलती है, लेकिन उसका वितरण हर जगह एक समान नहीं होता है। उसके रास्ते में कोई पहाड़ जल्दी आ गया तो वहाँ पे जल्दी वर्षा हो जाएगी, और अंतिम क्षेत्र तक जाते जाते उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह उस क्षेत्र में भरपूर वर्षा करा सके। तो ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 3। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो का लाइक है 100, इस वीडियो का एम है 100 लाइक, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 4 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।